Now we have question number 25 till 30. Find the factors of, we are going to solve question number 26 here. Z raised to 4 minus 2z square minus 15. Okay, अब आपने क्या काम करना है, इन questions को solve करना है, question number 25 till 30. Same pattern के questions हैं आपके पास और इसको solve करना है by middle term break. मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे थ्री टर्म्स गिवन है, आपने इसकी जो मिड वाली टर्म है इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, टू टर्म्स में ब्रेक करना है. और इसको ब्रेक करने का मेथड क्या होगा, लेट्स सी हियर. सो फर्स्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन होगी आपने उसे कॉपी करना है. हेयर वी हैव जेड रेज टू फोर, देन आपने लास्ट वाली जो टर्म गिवन होगी हमारी जो थर्ड टर्म है उसे कॉपी करेंगे, माइनस 15. ओके, अब माइनस 2z स्क्वायर को ब्रेक करना है टू टर्म्स में. टू टर्म्स में ब्रेक किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा रफ वर्क बनाना पड़ेगा. रफ वर्क किस तरह से मेंटेन करना है, आपने फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट चेक करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट वाली टर्म से. लास्ट वाली टर्म आपके पास कॉन्स्टेंट फॉर्म में भी हो सकती है और कोफिशेंट फॉर्म में भी हो सकती है. सो सेट रेस टू फोर का जो कोफिशेंट है वो 1 है और जो आपके पास लास्ट वाली टर्म है ये 15 है. आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 को 15 से. सो 1 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 15. आपने यहाँ पे 15 मैंशन कर दिया. आफ्टर दैट हेयर वी हैव माइनस 2, यानी कि जो मिड वाली टर्म है उसका जस्ट कोफिशेंट पिक करेंगे और इसका कोफिशेंट साइन के साथ पिक करना है. सो हेयर वी हैव माइनस 2. ओके, मल्टीप्लाई करवाने पे हमारा आंसर आ गया 15 और जो हमारे पास मिड वाली टर्म थी दिस इज माइनस 2 हेयर. नेक्स्ट, अब आपने किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए 15 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस करवाने पे हमारे पास आंसर आ जाए माइनस 2. सो अगर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 फाइव्स आर 15. ओके, इस 3 और 5 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास आंसर आ जाए माइनस 2. सो हेयर वी हैव प्लस 3 एंड माइनस 5. प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2. ओके, आपके पास नंबर आ गए, इस माइनस 2 को आपने ब्रेक कर दिया टू नंबर्स में 3 एंड 5, प्लस 3 एंड माइनस 5. ओके, अब आपने क्या काम करना है, इसको मिड में प्लेस करेंगे, प्लस 3 एंड माइनस 5. नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है मिड वाली टर्म में, हमारे पास जेड स्क्वायर यूज़ हो रहा है. सो आपने प्लस 3 के साथ भी जेड स्क्वायर को प्लेस करना है और माइनस 5 के साथ भी जेड स्क्वायर को प्लेस करना है. अच्छा, ये जो माइनस 2z स्क्वायर था आपने इसको टू टर्म्स में ब्रेक कर दिया, प्लस 3z स्क्वायर और माइनस 5z स्क्वायर. इसको ब्रेक करने का मेथड क्या था, रफ वर्क बनाना था आपने. रफ वर्क किस तरह से मेंटेन करना था कि फर्स्ट वाले कोफिशेंट को लास्ट वाली टर्म के कोफिशेंट या कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना था. आंसर आ गया हमारे पास 15 एंड देन आपके पास ये जो मिड वाली टर्म थी इसे कॉपी करेंगे साइन के साथ. सो हेयर वी हैव माइनस 2. देन कोई से भी टू नंबर्स आपने पिक करने थे और उनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आना चाहिए था 15 और उन्हीं नंबर्स के थ्रू आंसर आना चाहिए था माइनस 2. और आपने इसकी एडजस्टमेंट करवानी है, प्लस प्लस के साथ भी करवा सकते हैं, माइनस माइनस के साथ भी करवा सकते हैं, माइनस प्लस के साथ भी करवा सकते हैं और प्लस माइनस के साथ भी करवा सकते हैं. बस एडजस्टमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आंसर हमारे पास माइनस 2 आ जाए. तो हमारे पास नंबर आ गया प्लस 3 माइनस 5. आपने इन टू नंबर्स को मिड में यहाँ पे प्लेस किया, प्लस 3 माइनस 5. ओके, यहाँ से अब जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था उसको दोनों के साथ प्लेस कर देंगे, z स्क्वायर. ये आपके पास जो थ्री टर्म्स गिवन थी ये अब फोर टर्म्स में कन्वर्ट हो गई. और फोर टर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट हुई, क्योंकि आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक कर दिया टू टर्म्स में. ओके, जैसे ही आपके पास फोर टर्म्स में ब्रेक हो जाए, अब आपने यहाँ पे टू टू नंबर्स, टू टू टर्म्स की पेयरिंग करनी है. पेयरिंग कर लेंगे, ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर. ओके, अब इस फर्स्ट पेयर से चेक करना है
कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने उसको कॉमन लेना है और कॉमन के बाद उसको रिमेनिंग प्लेस करना है. सो हेयर वी हैव जेड रेज टू 4 एंड हेयर वी हैव जेड स्क्वायर. हमेशा लीस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है तो आपके पास कॉमन आ जाएगा जेड स्क्वायर. ओके, जेड स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे रिमेनिंग प्लेस करना है. सो फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग क्या है, लेट्स सी. जेड रेज टू 4 मीन्स हेयर वी हैव 4 टाइम्स ऑफ जेड. 4 टाइम्स ऑफ जेड में से अगर 2 टाइम्स ऑफ जेड बाहर प्लेस कर दिया, कॉमन में ले लिया, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास 2 टाइम्स ही रिमेनिंग में आ गया. सो इसका रिमेनिंग हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन एंड देन ऑब्वियस है कि 3 आपके पास कॉमन में नहीं था तो आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है. एंड हेयर वी हैव जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर आपके पास कॉमन में जा चुका है, इट मीन्स कि अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना. तो इस पेयर का कॉमन था जेड स्क्वायर और यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग था जेड स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का रिमेनिंग था 3. नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे आपने सेकेंड पेयर की तरफ मूव करना है. यहाँ से साइन कॉपी किया, माइनस साइन. हेयर वी हैव 5 एंड हेयर वी हैव 15. 5 एंड 15 कौन से टेबल में साथ आ जाते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, 5 के टेबल में साथ आएंगे. हेयर वी हैव जेड स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास जेड प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई आपने यहाँ से कॉमन जेड को कॉमन नहीं लेना. ठीक है, जेड को कॉमन या जेड स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए नेसेसरी है कि आपके पास दोनों टर्म्स में वेरिएबल मौजूद हो. एनीवेज, यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ गया माइनस 5. ओके, अब आपने इसका रिमेनिंग प्लेस करना है. सो रिमेनिंग के लिए चेक करेंगे कि अब आपके पास इस वाली टर्म का रिमेनिंग क्या है. 5 कॉमन में प्लेस कर चुके हैं, दैट्स वाई अब ये 5 रिमेनिंग में नहीं आएगा. जेड स्क्वायर कॉमन में नहीं था, इट मीन्स अब आपने इसे रिमेनिंग भी प्लेस कर दिया. ये जो साइन आपने यहाँ पे प्लेस करना है नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकेंड. ओके, ये जो साइन आप प्लेस करेंगे ये हमेशा लास्ट की 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवा के प्लेस करना है. सो माइनस माइनस प्लस. आफ्टर दैट अब आपने चेक करना है, यहाँ पे 15 है, 15 एज इट इज कॉपी नहीं होगा. 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स पे. सो ये आपके पास कॉमन हो गया माइनस 5. इस सेकेंड पेयर से इस टर्म का रिमेनिंग है जेड स्क्वायर और इस वाली टर्म का रिमेनिंग है 3. 3 किस तरह से आया, क्योंकि आपने चेक करना है 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे आता है. और ये जो साइन आपने यहाँ पे प्लेस करनी है ये हमेशा लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लेस करनी है. ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना होता है, आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है, जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगी और आपने यहाँ से 2-2 टर्म्स की पेयरिंग करके कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए. ओके, ये ब्रैकेट हमारे पास सेम हो चुका है. देन अब आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है. फाइनल आंसर लिखने का मेथड क्या है कि पहले आपने कॉमन को लिख देना है. कॉमन क्या है, इस वाले ब्रैकेट का कॉमन है जेड स्क्वायर और इस वाली ब्रैकेट का कॉमन है या इस वाली पेयर का कॉमन पेयरिंग का कॉमन है माइनस 5. ओके, हियर वी हैव जेड स्क्वायर माइनस 5, ये कॉमन का ब्रैकेट हो गया. कॉमन के बाद अब जो आपका रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम हो चुका है, इसको जस्ट 1 टाइम कॉपी करेंगे. यहाँ पे 2 टाइम्स कॉपी नहीं करना होता. तो ये आपके पास आ गया जेड स्क्वायर प्लस 3. ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है टोटल 3 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप में आपने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया 2 टर्म्स में, सेकेंड स्टेप में आपने कॉमन लेना है और थर्ड स्टेप में आपने फाइनल आंसर प्लेस करना है. आंसर प्लेस करने का मेथड ये है कि एक ब्रैकेट में आपने कॉमन प्लेस करना है और सेकेंड वाला ब्रैकेट जो आएगा वो रिमेनिंग का आएगा. Here we have question number 28. R raised to 6 minus 10 R cube plus 16. अगेन हमने इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करना है और मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करना है. दिस इज R raised to 6 here. After that, here we have plus 16. फर्स्ट टर्म को कॉपी करेंगे एंड लास्ट वाली टर्म को कॉपी करना है. ओके, नेक्स्ट आपने रफवर्क की साइड पे मूव करना है. इसके बाद रफवर्क को मेंटेन करने का मेथड ये है कि आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट से या कांस्टेंट से. यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट गिवन है, सो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से, इट विल बिकम 16. आपने 16 यहाँ रफवर्क में प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट
हेयर वी हैव -10, ये जो मिड वाली टर्म का कोफिशेंट है इसे पिक करेंगे साइन के साथ एंड यू विल प्लेस इट हेयर -10। ओके, अब कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 16, सो 2 8s are 16। इस 2 और 8 को प्लस और माइनस के साइन के साथ इस तरह से एडजस्ट करवाना है कि आपके पास आंसर आ जाए -10। ओके, जब आपको आंसर -10 चाहिए तो आपने 2 के साथ भी माइनस साइन प्लेस करना है और 8 के साथ भी माइनस साइन प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद अब आप इसे चेक करेंगे कि आपके पास आंसर -10 आ रहा है, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस करवाने पे आंसर आ गया 10 और साइन हमेशा आता है ग्रेटर नंबर का, सो ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे है माइनस। 8 ग्रेटर नंबर है और इसका साइन माइनस है, सो हेयर वी हैव -10। इट मीन्स कि आपने -10 को ब्रेक कर दिया 2 नंबर्स में और वो नंबर कौन से हैं, -2 एंड -8। सो हेयर यू विल कॉपी -2 एंड -8। आफ्टर दैट अब आपने चेक करना है कि जो आपके पास मिड टर्म गिवन थी यहाँ पे, इसका वेरिएबल क्या है, आर क्यूब। इट मीन्स आपने आर क्यूब यहाँ पे भी प्लेस करना है एंड इस -2 के साथ भी प्लेस करना है और इस -8 के साथ भी प्लेस करना है। आफ्टर दैट अब आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है, ये आपके पास फर्स्ट पेयर है और ये सेकेंड पेयर है। इन दोनों पेयर में से आपने कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग प्लेस करना है। ओके, अब कॉमन चेक करते हैं। हेयर वी हैव r^6 एंड हेयर वी हैव r³। सो लीस्ट पावर हमेशा आपके पास कॉमन में आएगा, कॉमन में आ गया r³। नेक्स्ट रिमेनिंग का ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, किस तरह से कंप्लीट करना है। हेयर वी हैव 6 times of r, मीन्स 3 times of r इज प्रेजेंट हेयर। हेयर मीन्स इन कॉमन, ठीक है, कॉमन में प्लेस कर चुके हैं। सो अब आपने 3 times of r यहाँ पे प्लेस करना है रिमेनिंग की जगह पर। देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन। आफ्टर दैट 2 कॉमन में आपके पास प्लेस नहीं है, दैट्स वाई आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है। एंड हेयर वी हैव r³। आर क्यूब आपके पास ऑलरेडी कॉमन में प्लेस हो चुका है, इट मीन्स अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है r³, सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है only 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ गया। आफ्टर दैट हेयर वी हैव 8 and 16। ओके, अब आपने चेक करना है कि 8 और 16 कौन कौन से टेबल में साथ आ जाएंगे। सो 8 और 16 आपके पास 2 की टेबल में साथ आएंगे, 4 की टेबल में साथ आएंगे और 8 की टेबल में साथ आएंगे। सो अगेन आपने सबसे बड़ी वाली जो टेबल है उसको पिक करना है, उसको कॉमन में प्लेस करना है। सो 8 यहाँ से कॉमन आ गया। 8 को कॉमन लेने के बाद अब आपने वेरिएबल की तरफ मूव करना है। हेयर वी हैव r³ एंड हेयर r इज नॉट प्रेजेंट, सो अब आपने r को कॉमन नहीं लेना। रिमेनिंग के ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे, इसमें आपके पास इस टर्म का रिमेनिंग है r³, क्योंकि 8 ऑलरेडी आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या चेक करना है, यहाँ पे साइन प्लेस करना है। साइन प्लेस करने के लिए लास्ट 2 साइंस को हमेशा मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो माइनस प्लस माइनस। ओके, अब 16 की जगह पे आपने किस तरह से प्लेसमेंट करनी है, 8 के टेबल में 16 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे आता है, सो हेयर वी हैव 2। कॉमन का ब्रैकेट आपका सॉरी रिमेनिंग का ब्रैकेट आपका सेम हो चुका है, मीन्स अब आपने अपने आंसर की तरफ मूव करना है। आंसर लिखने का पैटर्न क्या है कि आपने सबसे पहले कॉमन का ब्रैकेट एक बनाना है। कॉमन का ब्रैकेट यहाँ पे आपके पास इस पेयर का कॉमन है r³ और इस वाले पेयर का कॉमन है -8। ये आपका कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। कॉमन के ब्रैकेट के बाद आपने रिमेनिंग का जो आपका ब्रैकेट सेम हो चुका है इसको जस्ट 1 time यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट फर्क है और डिफरेंट क्या है, लेट्स चेक हियर। वी हैव r³ -8। इस वाले ब्रैकेट पे अब आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a³ - b³ का फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन एक्सरसाइज 4.10। ओके, इस वाले ब्रैकेट पे किस तरह से प्लेस करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, a² + ab + b³। आपके पास क्लोज्ड फॉर्म गिवन है, इट मींस अब आपने इसको क्या करना है, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लोज्ड फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले अब आप इसे फॉर्मूले की क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आपने इसे ओपन करना है। क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है a³
and then we have a minus sign. After that b cube. So सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे a cube and here we have b cube. Okay, अब आपने यहाँ से r put किया क्योंकि cube already यहाँ पे present है. नेक्स्ट 8 कंप्लीट यहाँ पे पुट नहीं करना बल्कि चेक ये करना है कि 8 किस नंबर का क्यूब है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपके पास आंसर 8 आ जाए. तो 2 यहाँ पे 8 की जगह पे आपने 2 प्लेस किया क्योंकि जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 8. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 टूज आर 4 एंड 4 टूज आर 8. तो यहाँ पे आपने 2 प्लेस कर दिया. ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. अप्लाई ना करने का रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 2 आ जाए, दैट्स व्हाई. ओके आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने फॉर्मूला ओपन करना है. सो इसे सर्कल करेंगे पेंसिल से, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है. फॉर्मूले के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है ए माइनस बी. ए माइनस बी मीन्स ए की जगह पे प्लेस कर दिया आर माइनस बी की जगह पे आपने प्लेस कर दिया 2. ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट ब्रैकेट है आपके पास ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर. आफ्टर दैट हियर वी हैव प्लस साइन. उसके बाद है हमारे पास ए बी. ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो हियर वी हैव आर एंड हियर वी हैव 2. तो जब r को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 2r. नेक्स्ट है आपके पास प्लस का साइन. देन वी हैव बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर को सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4. ओके ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. एंड यू विल कॉपी दिस ब्रैकेट r क्यूब माइनस 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. Here we have question number 29. A square x raised to 4 minus 20 a x square y square minus 96 y raised to 4. Again, आपने यहाँ पे आपके पास 3 terms given है और आपने यहाँ पे इस mid term को break करना है 2 terms में. Let's see here किस तरह से break करेंगे. सबसे पहले आपने first वाली term को copy करना है और last वाली term को copy करना है. Here we have a square z raised a square x raised to 4 and here we have minus 96 y raised to 4. Then आपने rough work की तरह move करना है. Rough work किस तरह से maintain करेंगे, first वाले term का coefficient और last वाली term के coefficient को multiply करवाना है. Here we have 1 and here we have 96. So जब 1 को 96 से multiply करवाएंगे it will become 96. आपने यहाँ पे 96 place कर दिया और मिड वाली टर्म कॉपी करेंगे. मिड वाली टर्म का भी जस्ट कोफिशिएंट पिक करेंगे साइन के साथ. हेयर वी हैव माइनस 20. सो अब आपने यहाँ पे माइनस 20 प्लेस कर दिया. कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 96 और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए माइनस 20. ओके 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 96. एंड अब आपने 4 और 24 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि सॉल्व होने के बाद उसका आंसर आ जाए माइनस 20. सो प्लस 4 यानी कि 4 के साथ प्लस का साइन पिक करेंगे, प्लेस करेंगे और 24 के साथ माइनस का साइन प्लेस करेंगे. अब इसे चेक करेंगे, प्लस माइनस 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 करवाने पे आंसर आ गया 20 और साइन आता है ग्रेटर नंबर का. सो हेयर वी हैव माइनस साइन विद 24. सो यू विल कॉपी दिस माइनस साइन, यानी कि अब आपके पास आंसर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है माइनस 20. ओके अब आपके पास नंबर आ गया प्लस 4 माइनस 24. आपने यहाँ पे प्लेस करना है प्लस 4 माइनस 24. आफ्टर दैट वेरिएबल्स चेक करेंगे. यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स आपके पास गिवन है, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. आपने 4 के साथ भी प्लेस कर दिया ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 24 के साथ भी सेम यही वेरिएबल्स आपने प्लेस करने हैं ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. यानी कि अब आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. आपके पास मिडिल टर्म थी माइनस 20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. आपने इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया, प्लस 4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24
ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है। ये आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया टू टर्म्स का, और ये आपका सेकंड पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से कॉमन लेंगे। सबसे पहले यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ए गिवन है। लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में आती है, तो इट मीन्स आपके पास कॉमन आ गया ए रेज टू वन, मीन्स ओनली ए। आफ्टर दैट हेयर वी हैव एक्स रेज टू फोर, एंड हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर। सो लीस्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया। एंड हेयर वी हैव वाई स्क्वायर, और फर्स्ट वाली टर्म में वाई प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई वाई कॉमन नहीं आएगा। ओके, इस पेयर का कॉमन आ गया ए एक्स स्क्वायर। अब रिमेनिंग कॉपी करना है। रिमेनिंग कॉपी करने का मैथड क्या है, अब आपने चेक करना है इस फर्स्ट टर्म में क्या बाकी रह गया। सो हेयर वी हैव ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से वन ए आपके पास बाहर है, कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई वी हैव ओनली वन ए हेयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्स रेज टू फोर है, मीन्स फोर टाइम्स ऑफ एक्स है हेयर। सो अब आपके पास टू एक्स, टू टाइम्स ऑफ एक्स कॉमन में आ चुका है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पास रिमेनिंग में भी टू टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर आ गया। देन वी हैव अ प्लस साइन हेयर। आफ्टर दैट फोर, फोर हमारे पास कॉमन में नहीं आया था, दैट्स वाई आपने इसे रिमेनिंग की जगह पर प्लेस करना है। एंड हेयर वी हैव ए रेज टू वन, ए रेज टू वन आपके पास कॉमन में आ चुका है, एक्स स्क्वायर भी आपके पास कॉमन में आ चुका है, हेयर वी हैव ओनली वाई स्क्वायर। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है ए एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है फोर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन कॉपी करेंगे। 24, 96 कौन से टेबल में साथ आते हैं, टू में भी आ जाएंगे, फोर में भी आ जाएंगे, और बहुत सारे टेबल में साथ आ सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा सबसे बड़ी जो टेबल होती है उसको कॉमन लेना होता है। सो 24 और 96, 24 के टेबल में कॉमन आ जाएंगे, 24 को आपने कॉमन लिया यहाँ से। आफ्टर दैट हेयर वी हैव ए, आपके पास इस वाली टर्म में ए प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ए कॉमन नहीं आएगा। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास एक्स प्रेजेंट नहीं है, आपने एक्स को भी कॉमन नहीं लेना। हेयर वी हैव वाई स्क्वायर, एंड हेयर वी हैव वाई रेज टू फोर। सो लीस्ट पावर कॉमन आएगी, तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया वाई स्क्वायर। ओके, अब रिमेनिंग के लिए चेक करना है आपने। 24 कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई अब इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करेंगे। आपके पास ए कॉमन में नहीं आया था, आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस किया। एंड हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर, आपके पास रिमेनिंग में आ गया। वाई स्क्वायर आपके पास कॉमन में आ चुका था, दैट्स वाई अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। यानी कि इस टर्म का जो रिमेनिंग है, इट इज़ ए एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, ये साइन आपने हमेशा लास्ट टू साइंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लेस करना होता है। सो माइनस माइनस प्लस, आफ्टर दैट हेयर वी हैव 96 वाई रेज टू फोर। सो 96 वाई रेज टू फोर कम्प्लीट यहाँ पे कॉपी नहीं करना, बल्कि चेक ये करना है कि 96 24 के टेबल में कितने टाइम्स पे आएगा। सो 24 के टेबल में 96 आता है फोर टाइम्स पे। आफ्टर दैट हेयर वी हैव वाई रेज टू फोर, मीन्स फोर टाइम्स ऑफ वाई इज प्रेजेंट हेयर। सो आपने टू टाइम्स ऑफ वाई कॉमन में प्लेस किया है, तो टू टाइम्स ऑफ वाई आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है। नाउ जब आपने यहाँ से रिमेनिंग का ब्रैकेट चेक किया, आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट और ये वाला रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम आ चुका है। अब आपने क्या काम करना है, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखने का मैथड क्या है, सबसे पहले आपने कॉमन का ब्रैकेट लिखना है। कॉमन आपके पास इस वाले पेयर का कॉमन था ए एक्स स्क्वायर, और इस सेकेंड वाले प्रेयर का कॉमन था माइनस 24 वाई स्क्वायर। ये कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हेयर वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। ये सेम है, टू टाइम्स प्लेस नहीं करना, जस्ट वन टाइम प्लेस करेंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 20 ए प्लस बी प्लस 36। ओके, अब अगेन आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है यहाँ पे, और करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट वाली टर्म को कॉपी करना है और लास्ट टर्म को कॉपी करना है। सो इस ए प्लस बी होल स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, जबकि आपके पास लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म गिवन है 36। 1 को जब 36 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम 36। ये रफ वर्क है आपका, 36 यहाँ पे कॉपी कर दिया।
एंड मिड टर्म का जो कोफिशेंट है दिस इज प्लस 20. ओके, कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 36 आ जाए. सो 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 36. अब 2 और 18 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि प्लस का 20 आ जाए. सो आपने 2 के साथ भी प्लस साइन प्लेस कर दिया और 18 के साथ भी प्लस साइन प्लेस कर दिया. सो 18 में जब 2 को प्लस करवाएंगे इट विल बिकम 20 और ग्रेटर नंबर 18 है, 18 का साइन आपके पास प्लस है, दैट्स व्हाई वी हैव प्लस 20 हेयर. ओके, इट मींस आपने प्लस 20 को ब्रेक किया 2 टर्म्स पे, प्लस 2 एंड प्लस 18. सो हेयर वी हैव प्लस 2 एंड हेयर वी हैव प्लस 18. नाउ अब आपने यहाँ से मिड टर्म पे चेक करना है कि आपके पास वेरिएबल कौन सा गिवन है. सो हेयर वी हैव ए प्लस बी एंड हेयर वी हैव अगेन ए प्लस बी. आपने दोनों के साथ ए प्लस बी को प्लेस कर दिया, प्लस 2 के साथ भी और प्लस 18 के साथ भी. इट मीन्स कि आपने प्लस 20 ए प्लस बी को ब्रेक कर दिया 2 टर्म्स में, प्लस 2 ए प्लस बी प्लस 18 ए प्लस बी. देन ये फर्स्ट पेयर हो गया. आफ्टर दैट ये हमारे पास सेकेंड पेयर हो गया. ओके, इस पेयरिंग के बाद अब आपने कॉमन लेना है. कॉमन लेने के लिए यहाँ पे आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड हेयर वी हैव ओनली ए प्लस बी रेज टू 1. लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में प्लेस करते हैं. सो यहाँ से कॉमन आ गया ए प्लस बी रेज टू 1. कॉमन लेने के बाद अब आपने रिमेनिंग प्लेस करना है. रिमेनिंग प्लेस करने के लिए क्या काम करेंगे, चेक करेंगे इस वाली टर्म में आपके पास 2 टाइम्स ए प्लस बी प्रेजेंट है. जब 1 टाइम कॉमन में आ चुका है इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 1 टाइम आपके पास रिमेनिंग में प्लेस करना है. देन हियर वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट यहाँ पे आपने 2 कॉपी किया क्योंकि 2 आपके पास कॉमन में नहीं आया था. ओके, 2 को प्लेस करने के बाद ए प्लस बी है हमारे पास जो कि ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई अब इसे रिमेनिंग की जगह पे प्लेस नहीं करेंगे. सो ये कॉमन है इन 2 टर्म्स का और ये आपके पास रिमेनिंग आ गया फर्स्ट टर्म का और ये सेकेंड टर्म का. नेक्स्ट हमारे पास 18 है और 36 है, सबसे बड़ी टेबल जिसमें 18 और 36 एक साथ आते हो. सो 18 की टेबल में ये दोनों नंबर्स एक साथ आ जाएंगे. इट मींस आपने 18 को कॉमन ले लिया. 18 को कॉमन लेने के बाद अब आपने चेक करना है कि इस टर्म का रिमेनिंग क्या है. नाउ वी हैव ओनली ए प्लस बी. 18 कॉमन में आ गया था, दैट्स वाई ए प्लस बी आपके पास रिमेनिंग में आ गया. देन प्लस साइन यहाँ पे किस तरह से आया, लास्ट 2 टाइम्स 2 साइंस को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो प्लस प्लस प्लस. ओके, अब 18 की टेबल में 36 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे आता है. नाउ ये आपके पास कॉमन हो गया और ये रिमेनिंग का ब्रैकेट आपका सेम हो चुका है. सो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ से जो आपका कर्ली ब्रैकेट है इसको रिमूव करते हैं. रिमूव करने के लिए क्या काम करेंगे, ए प्लस बी कॉपी एंड हेयर वी हैव ए प्लस बी प्लस 2, यानी कि आपने इस ब्रैकेट को रिमूव करवा दिया. दैन हेयर वी हैव प्लस 18. आफ्टर दैट वी हैव हेयर ए प्लस बी प्लस 2. ओके, ये कॉमन है ए प्लस बी और यहाँ से कॉमन है 18. सो अब आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लिया कॉमन का, ए प्लस बी प्लस 18 और रिमेनिंग आपका ये ब्रैकेट है जो कि सेम है. सेम ब्रैकेट को जस्ट 1 टाइम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ए प्लस बी प्लस 2. So this is the answer of question number 30.